हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज मैं आप लोग का एक बहुत बड़ा डाउट को क्लियर करने वाला हूँ कि कौन सा कैमरा चूज करूँ। मेरे पास इतने सारे क्वेरीज आते हैं कि विच कैमरा शुड आई चूज, कौन सा मेरे लिए ठीक है, EZVIZ के इतने सारे वेरियंट्स हैं। तो आज मैं इस वीडियो में आपका सारा जो डाउट है वो क्लियर करने वाला हूँ। वीडियो को एंड तक देखेगा, मैं सारे कैमराज का, आपको जितने वेरियंट्स हैं उन सबके बारे में आपको ब्रीफली बताऊंगा, सबका इंडिविजुअल लिंक के बारे में आपको बताऊंगा, सबके बारे में मैंने वीडियोज बना रखे हैं अपने चैनल पे। तो वेलकम टू माय चैनल, मेरा नाम है विशाल। मैं आपका जो सीसीटीवी का फ्रेंड बोल सकते हो, एक्सपर्ट बोल सकते हो कि इस फील्ड में 5 साल से काम कर रहा हूँ और आपको मैं EZVIZ के प्रोडक्ट्स के बारे में काफ़ी ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ। तो इस चैनल में हम लोग सीसीटीवी रिलेटेड प्रोडक्ट्स में बात करते हैं, इंटरकॉम, EPPX, वीडियो डोर फोन, इलेक्ट्रॉनिक ब्लॉक, वीडियो डोर फोन, इन सब के बारे में आपको बताता हूँ कौन सा लेना बेटर है, कौन सा आप नहीं ले सकते हो, क्या प्राइस रेंज में है। इसके साथ मैं पैन इंडिया का सर्विस दे रहा हूँ आपको, पैन इंडिया मैं आपको गुड्स यहाँ से भेज रहा हूँ और कुछ स्टेट से मेरा इंस्टॉलेशन का भी सेटअप हो चुका है, जैसे कि दिल्ली, राजस्थान। यहाँ पे आप चाहते हो तो प्रोडक्ट्स में यहाँ से भेज दूंगा, वहाँ पे मेरे वेंडर के साथ कोलैब में काम हो चुका है, उन लोग अपने टेक्सटाइल को भेज के आपका इंस्टॉलेशन भी करवा देंगे। तो अबाउट लेट नहीं करते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है कि मैं ऐसे कंटेंट और प्रोड्यूस करते रहे। तो चलिए फटाफट आप शुरू करते हैं अपने वीडियो के इंट्रो के बाद। तो चलिए सबसे पहले आपको बताता हूँ, सबसे जो सस्ता कैमरा है EZVIZ में उसका सीरीज है C1C। ये वो कैमरा है, इसको हम लोग बोलते हैं EZVIZ C1C। ये कैमरा क्या है, ये कैमरा किसके लिए? बेसिकली ये एक वाईफाई कैमरा है, स्मार्ट वाईफाई कैमरा है। इसमें दो वेरिएंट्स में आपको मिलते हैं, एक आता है 1 मेगापिक्सल, एक आता है 2 मेगापिक्सल। 1 मेगापिक्सल मतलब 720p का रेजोल्यूशन मिलता है, 2 मेगापिक्सल मतलब 1080p रेजोल्यूशन आपको ये मिलता है। इसमें क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है? फिर फायदे आप देख सकते हैं, बहुत छोटा सा, इसको ऐसे फोल्ड कर दोगे तो देखिए कितना छोटा सा इसका जो है एरिया कवर कर रहा है ये। इसको आप कहीं भी ऐसे लगा दोगे वॉल में, आराम से ये कैमरा माउंट हो जाएगा। इसका दूसरा एडवांटेज क्या है, इसका छोटा साइज की वजह से इसको आप सेमी हिडन कैमरा भी बोल सकते हो, बहुत कोने में इसको आप लगा दोगे पता भी नहीं चलेगा किसी को यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है। थर्ड इसका क्या है कि इसमें आपको वही ऑडियो वीडियो दोनों को आप ऑप्शन मिल जाता है। इनमें कौन सा चूज़ करें? वेल, इसमें आपको ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। अगर आप 1 मेगापिक्सल लोगे तो भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 लोगे तो भी कोई डिफरेंस नहीं होगा। डिफरेंस कब पड़ेगा? जब आप इसको बड़े स्क्रीन में देखोगे या फिर कंप्यूटर में, लैपटॉप में डाउनलोड में देखोगे तब फर्क पड़ेगा। बट इन जनरल अगर आप फोन में देख रहे हो 1 मेगापिक्सल विल बी सफिशिएंट। बट अगर आप चाहते हो कि डेफिनेटली अच्छा क्वालिटी आपको चाहिए तो अराउंड 500-600 का डिफरेंस में आपको 2 मेगापिक्सल का वेरियंट मिल जाएगा। ये हुआ C1C का बात। ये कैमरा कौन लगा सकता है? जो भी जिसको इंडोर कैमरा लगाना है अपने घर पे, ऑफिस पे छोटा सा कैमरा ऐसे उल्टा करके लगा देंगे, इस तरह से एंगल सेट कर देंगे, दिस इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। बट अब मैं आता हूँ C6N के तरफ। C6N हुआ 360 कैमरा। ये भी एक इंडोर कैमरा है, इसमें लेकिन जो स्पीकर साइज है वो इससे बड़ा है, इसका जो माइक इनपुट है वो इससे बड़ा है, इसका प्राइस भी इससे ज़्यादा है। इसमें भी आपको 4 वेरियंट्स मिलते हैं इस सेगमेंट में। बेसिकली EZVIZ के तरफ से आप इसमें अगर C6N लेते हो, C6N में आपको 1 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल दोनों ऑप्शन मिल जाएगा। अगर आप C6CN ऑप्शन में जाते हो उसमें भी आप 1 मेगापिक्सल 2 मेगापिक्सल दोनों ऑप्शन मिल जाएगा। अब C6N और C6CN में क्या डिफरेंस है? C6N और C6CN बेसिकली काम एक ही करता है, लुक्स में थोड़ा डिफरेंस है एंड दैट इज़ द ओनली थिंग। केवल लुक्स में फ़र्क है, स्ट्रक्चर वाइज आपका फीचर्स वाइज एवरीथिंग इज द सेम, बट कॉस्ट में देर इज अ मेजर डिफरेंस बिकॉज ये फुल आपको प्लास्टिक बॉडी से बना हुआ है, लो कॉस्ट फाइबर बॉडी से बना हुआ है। बट C6CN जो है वो काफ़ी प्रीमियम मटेरियल से बना हुआ है, बट फीचर वाइज, कैमरा क्वालिटी वाइज इट्स द सेम। अब बारी आते हैं आउटडोर कैमरा की तरफ। आउटडोर कैमरा में आपको 3 ऑप्शन मिलते हैं EZVIZ की तरफ से। एक उनमें से एक है C3W। वेल, C3W जो है ये मिड रेंज का आउटडोर कैमरा है। इसके बाद आता है, इससे पहले आता है आपका C3WN, इसके बाद आता है आपका C3N। C3N में आपके पास AI बेस्ड, कलर नेट विजन, ये सब मोड्स अवेलेबल है। C3W में आपको सायरन मिलता है 100 dB का,
इसमें भी आपको नाइट विजन मिलता है बट कलर नाइट विजन नहीं है। और इसका जो लो मॉडल है C3W का, सबसे बेसिक मॉडल है आउटडोर का, वो बेसिकली इन सब के मॉडल के बराबर ही है। ना उसमें सायरन है आपको अलग से, ना उसमें आपको अलग से कलर नाइट विजन का ऑप्शन मिलता है। बट ये हुआ आप ओवरऑल इनका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन। इन सब के बारे में मैंने इंडिविजुअल वीडियो बना रखे हैं, उनके लिंक्स आपको यहाँ ऊपर आई बटन मिल जाएगा। सबसे पहले आपको C1C का मिलेगा, फिर C6N का मिलेगा और C3W का भी मिल जाएगा। साथ ही C3WN के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसके बारे में लिंक आपको मिल जाएगा ऊपर में। अगर आप चाहते हो ऊपर में देखना तो उसको भी आप देख सकते हो। अब बारी आते हैं इन तीनों में आपको कौन सा चूज करें। वेल इट इज वेरी क्लियर, इसमें इतना कन्फ्यूजन कोई सीन ही नहीं है। ये दो कैमरा या इन कैमरा का जो सीरीज है ये बना है आपका इंडोर के लिए, बेसिकली इंडोर के लिए, क्योंकि इसमें आप देख सकते हो हाउसिंग जो है, पोर्ट्स जो है वो ओपन है। अगर मॉइस्चर भी लग गया इसमें, अगर पानी घुस गया, बरसात हुआ, ओस पड़ा इसमें, तो भी ये कैमरा आपका खराब हो जाएगा। और ये कैमरा में आप देखेंगे फुल मेटल बॉडी के साथ आता है, फुल इसमें आप देखेंगे फुल मेटल बॉडी के साथ सब कुछ सील रहता है इसमें। जो स्पीकर भी दिया है वो काफ़ी नीचे पॉइंट में दिया हुआ है, 100 dB का स्पीकर है। इसके अंदर भी आपको इंसुलेशन पैड दिया हुआ है जो आपके फ़ोन वगैरह में आते हैं जहाँ पे आप चार्जिंग वगैरह करते हो उस पॉइंट पे। तो काफ़ी अच्छा बिल्ड के साथ ये कैमरा आपका आता है। तो मेजर सबसे मेजर डिफरेंस ये है कि अगर आप आउटडोर जा रहे हो तो आपके पास इन दोनों को आप मत चूज कीजिए, आप इसको चूज कीजिए। इसमें आपको तीन ऑप्शन मिल रहे हैं, वापस रिपीट कर रहा हूँ, एक है C3W है बेसिक, फिर आता है C3W, फिर आता है आपका C6N जो सबसे हाई लेवल का कैमरा हुआ इसमें। इन सब में आपको 1 or 2 megapixel का वेरियंट मिलता है, बट आउटडोर है, लॉन्ग डिस्टेंस तक देखना है आपको, रात को क्लैरिटी चाहिए, तो मैं प्रेफर करता हूँ इसमें 2 megapixel वाला कैमरा लेने के लिए। सेकेंड डिफरेंस आ जाते हैं इसमें, सेकेंड डिफरेंस में आपको बता देता हूँ प्राइस का बहुत बड़ा डिफरेंस बैठता है। ये कैमरा आपका स्टार्टिंग होता है 2300 rupees ओनली फॉर 2300 rupees आपको ये कैमरा मिल जाएगा। फिर आपके आते हैं इसमें 2 megapixel का वेरिएंट, फिर इसमें आते हैं आपके C6N आता है, फिर C6CN आता है। C6N का कॉस्ट आपका स्टार्ट होता है 3200 rupees से और C6CN का स्टार्ट होता है आपका 4800 rupees से। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है बट फीचर सबका सेम है, क्वालिटी सबका सेम है, बिल्ड का थोड़ा फर्क है। बिल्ड से मुझे लगता है यहाँ पर कुछ इशू होगा, मेन कैमरा का लेंस का बात होता है, वो सब में आपको सेम मिल रहा है। अब बारी आती है आपकी इसकी, तो इसमें सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि डिफरेंस जो आता है आपका प्राइस काफ़ी महंगा पड़ता है ये आउटडोर कैमरा के हिसाब से। जो C3WN जो है वो आपका शुरू होता है अराउंड 4800 के आसपास से, फिर C3W आता है आपका 5800 के आसपास, और C3N जो है वो आपका पड़ता है 6500 के आसपास। बट ओवरऑल आपका जो चॉइस है टोटल डिपेंड्स ऑन यू, आप जो पैसा दे रहे हो आपके उसके हिसाब से आपको वैल्यू मिलती है। क्वालिटी में कोई डिफरेंस नहीं, इमेज क्वालिटी में मेजर डिफरेंस कुछ नहीं आता, 1 or 2 में भी ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता। फॉर वाईफाई बेस्ड EZVIZ कैमरा सब में आपको वारंटी एक साल की मिलती है। हम लोग की तरफ से आपको एक साल का जितना टेक्निकल सपोर्ट हो सके हम लोग देते हैं, रिमोट एक्सेस लेते हैं रिमोट एक्सेस लेते हैं, वाईफाई, वीडियो कॉल, फ़ोन कॉल, जो भी मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है वो सब हम लोग फॉलो करते हैं। और अगर नहीं होता है तो वी ट्राई टू कम्युनिकेट आपके शहर पर, हम लोग डायरेक्टली Hikvision का जो कंपनी है उनके साथ बात करके आपके पास हम सर्विस पहुंचा देते हैं। उसका जो एक्स्ट्रा कॉस्ट लगता है वो आपको बेयर करना होता है, बट डैट इज़ द एंड। उस तक कभी बात पहुंची नहीं क्योंकि हम लोग यहीं से, अब मेरा टीम जो है फ़ोन सपोर्ट में हम लोग इतना अच्छा सपोर्ट दे देते हैं अपने क्लाइंट को कि आपको वो जाने की दरकार नहीं पड़ती है। इसी के साथ ये वीडियो को एंड करता हूँ। आई होप मैंने आपके सारे डाउट्स क्लियर किए हो EZVIZ कैमराज को लेके। इसमें और भी मुझे पता आपके डाउट्स होंगे, ये मैंने बहुत ब्रीफ में आपको जो कॉमन डाउट्स होते हैं उसको मैंने बता दिया है। और आप कुछ भी डाउट हो आप मुझे कमेंट से बताना, मैं हर कमेंट का रिप्लाई जरूर करता हूँ। और जितने भी लोगों ने मेरे से अपने आइटम्स को परचेज किए आई एम सो थैंकफुल टू यू। मेरा व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है, उसमें आप डायरेक्टली मेरे को मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए और मैं आपका जो भी डाउट्स हैं क्वेरीज है उसको आंसर करता हूँ और आपका जितने भी डाउट्स क्लियर करता हूँ। और रुके रुके एंड करने से पहले चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना अगर आप वीडियो अभी तक आपने देखा है, और वीडियो अगर पसंद आया हो, मेरा एफर्ट्स आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को एक वीडियो को एक लाइक दे दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो फिर अगले वीडियो तक मिलते हैं, थैंक यू सो मच।